अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ और होप आप लोग भी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो मेरे व्लॉग में कुछ इशू हो गया नेटवर्क की वजह से या किसी रीजन से व्लॉग जो है वो रुक गया था आधा और अपलोड होने के बाद, तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या रीजन है, बट इंशाल्लाह कल से आपको न्यू व्लॉग मिलेंगे और ये अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग से। तो गाइज, जैसे कि रुशना ने आपको बता ही दिया है कि व्लॉग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, फाइल क्रैप्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह कोई इशू वाली बात नहीं है, कल आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, उसके अंदर आपको जलील शायर भी मिलेंगे। फिलहाल आपकी भाभी गई हुई है अभी भी घर पे, मैं ये फाइल बना रहा हूं अपने घर बैठ के, बट हम जैसे रमजान के अंदर ये गई थी अपने घर और जलील शायर तब भी कंटिन्यू बने हुए थे क्योंकि हम फाइल बनाते थे और व्हाट्सएप से हम सेंड कर दिया करते थे। तो इंशाल्लाह इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही प्यार देते रहे। प्रॉब्लम तो हर एक चीज में आ जाती है यार, बट कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह जितना जल्दी होगा मेरे हिसाब से रात तक रिजॉल्व हो जाएगा। हम आपको इसलिए अपडेट कर रहे हैं कि आप तक ये बात पहुंच जाए क्योंकि हमारे साथ ये दो दिन से इशू चल रहा था, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके अंदर शायद हमारा ही इशू आ रहा है कि हम अपलोड जब कर रहे हैं, अपलोड करने में हमारे साथ इशू हो रहा है, कोई इशू नहीं, कल तक इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, वैसे ही जुड़े रहें, जैसे आप सपोर्ट पहले करते वैसे ही वैसा ही प्यार बनाए रखें। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मनाली वाला व्लॉग हमने पहले भी देखा है ऐसा, तो मैं आप लोगों को बता दूं मनाली वाला जो व्लॉग है वो बहुत पुराना है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, आई थिंक 5 मंथ जनवरी के करीब का है, वो हमारे पास था, हमने एडिट करा, एडिट करके अपलोड कर, इस चीज से भी आप बेफिक्र रहे कि वो व्लॉग के लिए अभी हम, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बर्फ गिर रही है, सच सच बताओ भाई बर्फ जनवरी में गिरी थी, अब बर्फ नहीं गिर रही है क्योंकि मैं जनवरी में गया था और वो व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मैंने सोचा आप लोग देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। अभी जो है बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप देख सकते हैं मुझे, और मैं घर आई हुई हूँ अभी। नेटवर्क इश्यूज की वजह से या पता नहीं किस रीजन से व्लॉग जो है वो बीच में ही स्टॉप हो गया और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। तो कल से जो है वो न्यू व्लॉग आएंगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग, और हम लोगों के साथ बने रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे हमें। तो और गाइज, आपको अब नई नई शायरियां मिलेंगी, काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं व्लॉग में, दोबारा से वो सब चीजें होंगी और इस बार बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें होंगी, ठीक है, इस बार हम घर में नहीं बैठे रहेंगे। हाँ, तो बाहर जाके भी व्लॉग बनाएंगे, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है कि थोड़ी सी रूशी की जो तबीयत खराब है वो अल्लाह पाक जल्दी से सही कर दे, उसके बाद कंटिन्यूसली जैसे हम पहले व्लॉग बना रहे थे ऐसे ही हम व्लॉग बनाएंगे। जलील शायर की जो शायरी है वो आपको हम देते रहेंगे, चाहे हम घर बैठे हों या कहीं पर भी बैठे हों। और मेरा जो होता है अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भूरा और मैं काम करता हूं पूरा, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को क्लिप मिलती रहेगी, बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे, लव यू। जैसे कि 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए आप लोग एक्साइटेड है, ऐसे ही मैं भी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद हम दोनों शैल और मैं जो है वो देंगे लव स्टोरी आपको, तो हम लोगों के साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर करा दें ताकि हम लोग जो है आपकी फरमाइश पे आपको हमारी स्टोरी के बारे में पूरा बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय गाइज, अपना ख्याल रखें बहुत सारा और हम लोगों के साथ बने रहें, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।